हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। एपोकलिप्टो ये शायद वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्टिक फिल्मों में से एक फिल्म है। इस मूवी में आज से 500 साल पुरानी यानी 1502 में घटी एक मैक्सिकन मायन कबीले की कहानी दिखाई गई है। ये वो टाइम था जब मायन संस्कृति खत्म होने की कगार पर थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेल गिब्सन ने, जिसके लिए मेल गिब्सन की काफ़ी प्रशंसा हुई थी। मूवी में दिखाए गए मायन संस्कृति को और ऑथेंटिक बनाने के लिए इस मूवी में युकाटेक मायन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मायन लोग उस जमाने में बोलते थे। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देखा जाए तो ये मूवी एक मास्टरपीस है। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में दिखाया गया है एक मायन आदिवासी कबीला एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा होता है। जंगली जानवरों की शिकार करने का उनका एक तरीका होता है। वो एक स्पीयर ट्रैप लगाते हैं और सुअर को उस स्पीयर ट्रैप की तरफ खदेड़ते हैं। सुअर का पैर एक रस्सी से टकराता है और वो स्पीयर ट्रैप, जिसके ऊपर लकड़ी के छोटे भाले लगे हुए होते हैं, वो सुअर के शरीर में फंस जाता है और सुअर मर जाता है। इस कबीले का एक सरदार होता है जिसका नाम फ्लिंटस्काय होता है। वह अब बूढ़ा हो चुका होता है, इसलिए उसका बेटा जिसका नाम जगुआर पाव होता है उसके ऊपर कबीले की जिम्मेदारी होती है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी आसानी हो इसलिए हमने जगुआर पाव को एडम के नाम से एड्रेस किया है, प्लीज इसे कंसिडर कीजिए। उस जंगली सुअर की शिकार करने के बाद अब एडम सुअर को काटता है और सुअर के दिल, कान और बाकी पार्ट सब में बांट देता है। अब बारी आती है सुअर के टेस्टिकल्स की। एडम वो टेस्टिकल्स उनमें से एक आदिवासी को देता है जिसको बच्चे नहीं होते, लेकिन वो आदिवासी मना करता है। एडम उसे बताता है कि मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था, इसलिए हमारी फैमिली में हम 10 भाई बहन हैं। वो आदिवासी एडम के पिता की तरफ देखता है और एडम का पिता भी उसे हाँ कह के इशारा करते हैं। उनकी बात मानकर वो आदिवासी टेस्टिकल्स खाना चालू करता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। तभी सब लोग हंसना चालू करते हैं। वो आदिवासी समझ जाता है कि एडम उसके साथ मजाक कर रहा है और वो एडम से झगड़ा करने लगता है। तभी एडम का पिता बीच में आ जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो उसे एक पेड़ की कुछ पत्तियां देता है और बताता है कि उन पत्तों को उसे अपने प्राइवेट पार्ट में लगाना है और उसके बाद ट्राई करना है। मैंने यही इस्तेमाल किया था और मुझे 10 बच्चे हुए। ये सुनकर वो आदिवासी खुश हो जाता है। वो एडम के पास जाता है और अपना हिस्सा ले लेता है और जो हुआ उस पर भी सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। एक्चुअली कबीले के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। कबीले के लिए शिकार करना और कबीले की रक्षा करना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तभी एडम को कुछ सुनाई देता है। उसे लगता है कि पास की झाड़ी में कोई छुपा हुआ है। एडम उस तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? वहां से एक आदिवासी बाहर आता है। वो एक दूसरे कबीले का सरदार होता है। उसे देखकर एडम का पिता आगे आता है और उस सरदार से कहता है कि यह जंगल हमारा है और इस जंगल में हमारा ही हक है। वो आगे कहता है कि मेरे पिता ने यहाँ शिकार किया था, मैंने भी किया है, और अब ये मेरा बेटा और उसके बाद उसका बेटा यहाँ पर शिकार करेगा। यह सुनने के बाद वो सरदार उसके सामने कुछ मछलियाँ रख देता है। एडम भी उसे सुअर का एक टुकड़ा देता है। वो सरदार कहता है कि हम सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहते थे। एडम का पिता उसे वहाँ से गुजरने की परमिशन दे देता है। सरदार अपने कबीले के लोगों को बाहर आने के लिए बोलता है और वो सब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। एडम देखता है कि उनमें से कई लोग जख्मी हैं। वह सरदार कहता है कि हमारा जंगल तबाह हो गया है और हम नई जगह ढूंढ रहे हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। एडम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसका पिता उसे रोकता है और घर वापस चलने के लिए बोलता है। घर पहुंचने के बाद एडम का पिता देखता है कि एडम थोड़ा परेशान है। वो एडम से पूछता है, जंगल में जो लोग हमें मिले थे तुमने उन लोगों में क्या देखा? एडम कहता है, मुझे पता नहीं। एडम का पिता कहता है कि उन लोगों में डर था और डर एक बीमारी की तरह होता है। जो इस जंगल में रहने से डरता है वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। वो आगे कहता है
कि मैंने तुम्हें डरना नहीं सिखाया। तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचो और तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। और वो अपने घर चले जाते हैं। वो आदिवासी जिसे एडम के पिता ने पेड़ के पत्ते दिए होते हैं, वो भी अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर पहुंचते ही उसकी सांस उसे हमेशा की तरह बच्चा न होने के कारण कोसती है और उसे उसकी बीवी के पास अंदर घर में भेज देती है। वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द पोता चाहिए। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। वो अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद चिल्लाते हुए बाहर आता है और इधर उधर भागने लगता है। एक्चुअली वो जो पत्ते एडम के पिता ने दिए थे वो कोई दवा नहीं होती। वो शायद किसी खुजली वाले पेड़ की या किसी तीखे मसाले वाले पेड़ की पत्तियां होती है जिसे लगाने से जलन हो जाती है। उसे इस तरह इधर उधर भागते हुए देखकर सब लोग उस पर बहुत हंसते हैं। वो एडम के पिता पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, एक दिन तुम भी मेरी तरह मजबूर हो जाओगे और तुम्हें भी इसी तरह भागना पड़ेगा। इधर एडम घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। घर पहुंचने के बाद भी एडम जंगल में जो उसने देखा उसे भूल नहीं पाता है। उसे रात में एक सपना आता है। सपने में वो उसी कबीले के सरदार को देखता है। उसके हाथ में कटा हुआ दिल होता है और उसका पेट भी किसी ने काट दिया होता है और वो कहता है, भागो। इतने में एक कुत्ता भौंकने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अचानक से कुत्ते की आवाज़ बंद हो जाती है। वो बाहर आकर देखता है, उसे कुछ मछाले दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके कबीले पर किसी दूसरे कबीले ने हमला किया है। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उस पर दूसरे कबीले का आदिवासी हमला करता है। एडम किसी तरह से उसे मारता है और बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाकी कबीले वालों को पकड़ लिया जाता है और सभी घरों को आग लगाई जाती है। बूढ़े लोगों को मार दिया जाता है और जवान लोगों को हाथ पैर बांधकर बंदी बनाया जाता है। इधर एडम एक कुएं के पास आता है और बीवी और बच्चे को रस्सी के सहारे नीचे कुएं में छोड़ रहा होता है ताकि कोई उन्हें देख न सके। तभी एक आदिवासी एडम को देखता है और वो उसे पकड़ने के लिए आता है। एडम जल्दी से रस्सी छोड़ रहा होता है और उस हड़बड़ी में उसकी बीवी और बच्चा कुएं में नीचे गिर जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। वो आदिवासी एडम पे हमला करता है लेकिन एडम उसे भी मार देता है। वो बीवी से कहता है कि मुझे बाकी लोगों की मदद करने जाना पड़ेगा। उसकी बीवी उसे जाने से मना करती है लेकिन एडम उसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। वो रस्सी की एक छोर को कुएं में फेंक देता है और दूसरी छोर को एक पेड़ से बांध देता है और वापस अपने कबीले के पास चला जाता है। एडम देखता है कि उसका पिता भी उन आदिवासियों से लड़ रहे हैं। इतने में एक आदिवासी उसके पिता पर हमला करता है। एडम उस आदिवासी को पकड़ता है और उसे चाकू से मारने ही वाला होता है। तभी एक दूसरे कबीले का सरदार एडम को पकड़ लेता है और उस आदिवासी की जान बच जाती है। लेकिन वो एडम पर बहुत गुस्सा होता है। उसे पता होता है अगर सरदार नहीं आता तो एडम ने उसे मार दिया होता। इसलिए खुन्नस में वो एडम को चाकू से मारने के लिए जाता है लेकिन सरदार उसे रोकता है और उसे कहता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए। एडम को बंदी बनाया जाता है। वो देखता है कि उसके पिता को भी बंदी बनाया गया है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ करो। ये बात वो आदिवासी जो एडम के हाथों मरते मरते सरदार की वजह से बच गया था वो सुन लेता है और इसका बदला लेने के लिए वो एडम के सामने ही एडम के पिता का गला काट देता है। बाद में एडम के सर पर लकड़ी के हथियार से मारता है जिससे एडम बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि सब लोगों को बंदी बनाया गया है और उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। वो उस कुएं की तरफ देखता है जिसमें उसकी बीवी और बच्चा छुपे हुए होते हैं। तभी एक आदिवासी एडम की तरफ देखता है। उसे शक होता है और वो एडम जहाँ पर देख रहा है वहाँ चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि कुएं के पास एक रस्सी को पेड़ से बांधा गया है। तभी उसकी बीवी उस आदिवासी को देख लेती है और अपने बच्चे के साथ कुएं के एक कोने में छुप जाती है। वो आदिवासी कुएं में देखता है लेकिन उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक बड़ा सा पत्थर कुएं में फेंक देता है
और उस रस्सी को काटकर वहां से चला जाता है। अब गांव में सिर्फ छोटे बच्चे और उस कुएं में एडम की बीवी और बच्चा, इतने ही लोग जिंदा रह पाते हैं। अब बंदी बनाए हुए सभी लोगों को वहां से ले जाया जाता है। एडम देखता है कि जिस आदिवासी ने जंगल से गुजरने के लिए उनसे परमिशन मांगी थी, उसे और उसके कबीले को भी बंदी बनाया गया है। वो उन सबको वहां से लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें पथरीले रास्तों में नदी में से बहुत दूर ले जाया जाता है। रास्ते में सबको टॉर्चर किया जाता है, उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता। रास्ते में वो एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। उस गांव के लोगों में कोई बीमारी फैली हुई होती है। वहां एक छोटी बच्ची होती है, वो एडम को देखती है और जिन्होंने एडम और बाकी लोगों को बंदी बनाया उनके पास आकर कहती है, तुम जानना चाहते हो तुम कैसे मरने वाले हो? वो आगे कहती है, जल्द ही पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा होगा। उस दिन एक जंगल का राजा तुम सबको मार देगा। वो आदिवासी उस बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। आगे एडम देखता है कि रास्ते में जितने भी गांव होते हैं उन सब गांव के लोग, उनको बंदी बनाया गया है और वो लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। आखिरकार वो एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। वहां पे हजारों लोग होते हैं, जैसे वहां पे कोई मेला लगा हो। वहां बंदी बनाए हुए सभी लोगों के शरीर पर नीले कलर का पेंट लगाया जाता है। एक्चुअली वो जगह एक मायन टेम्पल होता है जिसे स्टेप पिरामिड कहते हैं। मायन सभ्यता में फसल अच्छी होने के लिए या कोई संकट हो तो उसे दूर करने के लिए इंसानों की बलि देने की प्रथा होती है। इस समय प्लेग जैसी बीमारी सभी जगह फैली हुई होती है और उस बीमारी को रोकने के लिए वो लोग इंसानों की बलि चढ़ा रहे होते हैं। बंदी बनाए हुए लोगों को ऊपर पिरामिड पर ले जाया जाता है जहां लोगों की बलि दी जाती है। एडम भी उन लोगों के बीच होता है। तभी उनमें से एक आदिवासी को वो लोग पकड़ते हैं, उसका दिल काटकर निकाल दिया जाता है और बाद में उसका सिर काटकर पिरामिड की सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया जाता है। ये देखकर एडम डर जाता है, उसे अपनी बीवी से किया हुआ वादा याद आता है। अब एडम को बलि देने के लिए तैयार किया जाता है। तभी अचानक सूर्य ग्रहण चालू हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। वो लोग रुक जाते हैं और ग्रहण देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्रहण खत्म हो जाता है और सूरज फिर से दिखाई देता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद भगवान उनकी बलि से खुश हो गया है, इसलिए उसने फिर से धरती को प्रकाशित किया है। इसके बाद एडम के साथ बंदी बनाए हुए सभी लोगों को वहां से ले जाया जाता है। अब उन्हें एक ग्राउंड में ले जाकर खड़ा किया जाता है। उस ग्राउंड के दूसरे एंड पे एक जंगल होता है। उन्हें बोला जाता है कि अब तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हें यहां से भागकर उस जंगल में जाना पड़ेगा। कबीले का सरदार अपने बेटे को जंगल की तरफ जाकर वहां रुकने के लिए बोलता है ताकि वो लोग भागकर जंगल के पास पहुंचे तो वो उन्हें मार सके। अब दो लोगों को भागने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनमें से एक एडम का वही फ्रेंड होता है जिसे उसके पिता ने पत्ते दिए थे। जैसे ही वो दोनों भागना चालू करते हैं, उनके ऊपर पीछे से पत्थर, भाले और तीर से हमला किया जाता है। एडम के फ्रेंड को तीर लग जाता है और वो जख्मी होकर वही गिर जाता है। दूसरे आदिवासी पे पत्थर से हमला किया जाता है और वो मर जाता है। अब एडम और दूसरे आदिवासी को भागने के लिए बोला जाता है। वो दोनों क्रॉस में भागते हुए जाते हैं ताकि उनके ऊपर निशाना ना लगे, लेकिन उस दूसरे आदिवासी के सिर में तीर घुस जाता है और वो वही मर जाता है। एडम उन तीरों से बचकर भागता रहता है। तभी कबीले का सरदार एडम पे निशाना लगाता है और एडम के पीठ में तीर घुस जाता है। ऐसी हालत में भी वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। यह देखकर सरदार का बेटा एडम के पास उसे मारने के लिए आता है। तभी एडम का फ्रेंड जो जख्मी हुआ होता है वो सरदार के बेटे को पकड़ता है और एडम को भागने के लिए कहता है। एडम जल्दी से तीर की नोक को तोड़कर हाथ में छुपाता है। सरदार का बेटा एडम के फ्रेंड को मार देता है और उसके बाद एडम को मारने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही वो एडम के सामने आता है, एडम उस तीर की नोक से उसका गला काट देता है और वहां से जंगल की तरफ भागता है। ये देखकर सरदार और बाकी लोग भी भागकर वहां आ जाते हैं।
लेकिन सरदार का बेटा मर चुका होता है। सरदार बहुत गुस्सा होता है और वह सब मिलकर एडम का पीछा करना चालू करते हैं। एडम जख्मी होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। उसे पता होता है कि वो ज्यादा देर नहीं भाग सकता, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वही छुप जाता है। नीचे सब लोग एडम को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी उनमें से एक आदिवासी के पीठ पर ऊपर से खून टपकता है। वो उसी पेड़ के नीचे से जा रहा होता है जिस पेड़ पर एडम छुपा हुआ होता है। कबीले का सरदार उस आदिवासी के पीठ पर खून के निशान देखता है और उसे पता चलता है कि एडम पेड़ पर छिपा है। एडम को उस पेड़ पर एक ब्लैक पैंथर का छोटा बच्चा दिखाई देता है। अचानक से वहाँ एक बड़ा ब्लैक पैंथर भी आ जाता है। उसे देखकर एडम पेड़ से नीचे उतरता है और भागने लगता है। इधर उन लोगों को एडम के भागने की आवाज़ आती है और वो उसे आवाज़ के पीछे भागना शुरू करते हैं। ब्लैक पैंथर एडम का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। तभी एक आदिवासी को एडम दिखाई देता है और वह एडम का पीछा करते करते अचानक एडम और उस ब्लैक पैंथर के बीच में आ जाता है। ब्लैक पैंथर उस आदिवासी पर हमला करता है और उसे मार देता है। एडम वहां से भाग निकलता है। बाकी के लोग भी पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और उस ब्लैक पैंथर को देखकर उसे मार देते हैं। अब वो थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि ब्लैक पैंथर को वो लोग जंगल का राजा मानते हैं और उसे मारना अपशकुन होता है। एडम का पीछा करते करते उनके काफी लोग मर चुके होते हैं और एडम सभी मुश्किलों को पार कर कर जिंदा बच जाता है और एक जगुआर की तरह जंगल में भाग रहा होता है। अब उनको उस छोटी लड़की की भविष्यवाणी याद आती है क्योंकि सभी चीजें जैसे उसने कहा वैसे ही हो रही होती है। उन लोगों को इस तरह परेशान देखकर कबीले का सरदार उन्हें कहता है कि वो भाग रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी ऐसे खाल निकाल दूंगा जैसे किसी जैगुआर की खाल निकाली जाती है। और वो एडम का पीछा करना कंटिन्यू करते हैं। उनमें से एक आदिवासी देखता है कि एक पेड़ पर नीला कलर लगा हुआ है। उसे लगता है शायद एडम कहीं आसपास है। वो पेड़ के पास जाता है। तभी एक जहरीला सांप उसे काटता है और वो वही गिर जाता है। मरते मरते वो बाकी लोगों को फिर से उस भविष्यवाणी के बारे में आगाह करता है, लेकिन बाकी लोग उसे वही मरने के लिए छोड़कर आगे चले जाते हैं। भागते भागते एडम एक झरने तक पहुंच जाता है। वो देखता है झरने के दूसरी साइड में उसका अपना जंगल है। ये वही जंगल है जहां से उसे और उसके कबीले वालों को ले जाया जाता है और एडम की बीवी और बच्चा भी वही होते हैं। वो झरने के नीचे नदी में कूद जाता है। वो झरना बहुत ऊंचा होता है लेकिन वो बच जाता है और किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। वो नीचे से कबीले के सरदार को कहता है कि मेरा नाम जगुआर पॉ है और ये जंगल मेरा है। वो उन्हें चैलेंज करता है और उनको नीचे कूदने के लिए ललकारता है। सरदार सबको कहता है कि हमें उसे पकड़ना ही होगा, लेकिन उनमें से एक आदिवासी सरदार को कहता है कि हम चलकर भी नीचे पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही सरदार उसे मार देता है और सबको नीचे कूदने के लिए बोलता है। सब लोग नीचे कूद जाते हैं। उनमें से कुछ लोग नीचे कूदने के बाद पत्थर से सर टकराने की वजह से मर जाते हैं। सरदार भी नीचे कूदता है और वो बच जाता है। ये देखकर एडम जंगल की तरफ भागता है और फिर से वो लोग एडम के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते एडम एक दलदल में फंस जाता है और बड़ी ही मुश्किल के बाद उस दलदल में से निकलता है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। एडम थोड़ी देर वही रुक जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरा जंगल है, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ। उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं, जो इस जंगल में रहने से डरता है वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। अब वो एक जगुआर की तरह उन आदिवासियों की शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इस जंगल का कोना कोना पता होता है। वो एक मधुमक्खी का छत्ता पत्ते में लिपट कर लेके आता है और उनके सामने फेंक देता है। मधुमक्खियाँ उन लोगों को काटती है और एडम वहां से भाग निकलता है। वो एक कलर्ड मेंढक की प्रजाति को पकड़ता है जो जहरीली होती है।
वो कुछ कांटे तोड़ता है और कांटों की नोक पर उस मेंढक का जहर निकलकर लगा देता है। पास में ही एक पेड़ पर वो अपने शरीर के कीचड़ को निकालकर लगा देता है ताकि उन लोगों को लगे कि वो यहीं कहीं आसपास है। एडम एक केले के पत्ते से ब्लो पाइप बनाता है और जहरीले कांटे उस पाइप में लगाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। एडम को ढूंढते ढूंढते वो लोग उस पेड़ के पास आ जाते हैं और पेड़ पर लगा हुआ कीचड़ देखकर उसे वहीं आसपास ढूंढते रहते हैं। एडम ब्लो पाइप से जहरीले कांटों को फूंककर उनमें से कई लोगों को निशाना बनाता है। अभी भी 4 लोग बाकी होते हैं। अचानक उनमें से एक आदिवासी एडम के सामने आ जाता है। ये वही आदिवासी है जिसने एडम के पिता को मारा था। एडम उसे बहुत ही बुरी तरह मार देता है। अब बारिश शुरू हो जाती है। एडम को अपनी बीवी और बच्चे की चिंता होने लगती है और वो कुएं की तरफ भागने लगता है। कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है। एडम कुएं के पास पहुंच जाता है लेकिन सरदार और बाकी दो आदिवासी उसके पीछे होते हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से निकाल नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। कुआं पानी से भर जाता है और तभी उसकी बीवी लेबर पेन महसूस करना शुरू करती है। एडम का पीछा करते करते सरदार कुएं के पास पहुंच जाता है लेकिन वो एडम का पीछा नहीं छोड़ता। बाकी दो लोग कुएं के पास आते हैं और उसकी बीवी और बेटे को नीचे कुएं में देखते हैं लेकिन वो उन्हें वैसे ही छोड़कर सरदार के पीछे चले जाते हैं। भागते भागते अचानक एडम एक जगह पर रुक जाता है। उसे कुछ दिखाई देता है। तभी सरदार उसे तीर मारता है जो उसकी छाती पे लगता है और एडम वहीं पर गिर जाता है। अब सरदार एडम के सामने आ जाता है। एडम खड़ा हो जाता है और सरदार की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारता है। ये देखकर सरदार चाकू निकालता है और गुस्से से एडम की तरफ उसे मारने के लिए भागते हुए आ रहा होता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और एक स्पेयर ट्रैप उसके शरीर में घुस जाता है और सरदार वहीं पर मर जाता है। ये वही स्पेयर ट्रैप है जिसे उन्होंने मूवी के पहले सीन में जंगली सुअर का शिकार किया था। वहां कुएं में पानी भरता ही जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी का वाटर ब्रेक होता है और वही पानी में उसकी डिलीवरी हो जाती है। इधर एडम भागते भागते समंदर के पास पहुंच जाता है। अभी भी दो आदिवासी उसका पीछा कर रहे होते हैं। एडम बहुत थक चुका होता है। वो नीचे बैठ जाता है और आगे समंदर की तरफ देख रहा होता है। तभी वो दो आदिवासी उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन वो एडम को नहीं मारते। वो भी समंदर की तरफ देखते रहते हैं। समंदर में कुछ बड़े शिप्स खड़े होते हैं। वो शिप्स यूरोपियन एक्सप्लोरर की होती है और कुछ लोग नाव में बैठकर समुद्र की तरफ आ रहे होते हैं। उन आदिवासियों ने इतनी बड़ी शिप्स कभी नहीं देखे थे। वो उन्हें देखते ही रहते हैं और दोनों किनारे की ओर चले जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर एडम वहां से निकल जाता है और कुएं के पास लौट आता है। वो अपनी बीवी और दो बच्चों को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और उन्हें बाहर निकलकर वहां से चला जाता है। एडम की बीवी भी उन बड़े शिप्स को देखती है। वो एडम से पूछती है, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? एडम उसे कहता है, हमें जंगल में जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद एडम और ईव एक नई शुरुआत करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। लास्ट सीन में जो यूरोपियन एक्सप्लोरर दिखाए गए हैं, उन्होंने पहली बार मायन आदिवासियों की खोज की थी। बाद में स्पेनिश एक्सप्लोरर ने मायन जंगलों पर कब्जा किया और मायन संस्कृति लुप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।